27 तारीख तक का वक्त मांगा वजीर आजम ने कि मुझे जाने दो, मैं देखो क्या करके आता हूं। तो ठीक है, इतमामे हुज्जत वो 27 भी दूर नहीं। ये बात वजीर आजम की हरगिज हमें हजम नहीं होती जो हमने खुद कानों से सुनी, अमेरिका को खुश करने के लिए कि अगर कोई पाकिस्तान से जाकर वहां जिहाद करेगा तो कश्मीरियों पे जुल्म करेगा, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए कि मैंने वहां जाना है और मैं इस पर पहले से तैयारी करूं। कश्मीरियों से तो पूछो जो एक एक मिनट गिन के तुम्हारे इंतजार में रातें बसर कर रहे हैं और दिन बसर कर, कि उन पे जुल्म कौन करेगा, जो मदद करने जाएगा या जो यहां बैठा रहेगा। तो ये मदद करनी पड़ेगी इस पाकिस्तान को। और खाकम बदहन, अगर आज ये अमेरिका के तेवर देख के दबक गया तो कल इसे भी कोई नहीं बचा सकेगा। ये हुक्मरान, इनकी कुर्सियां, इनके ईवान एक थपेड़े की नजर हैं। अल्लाह खुद उसकी लाठी बेआवाज है और वो कुन कहे तो क्या कश्मीर आजाद नहीं हो सकता? वो इसलिए छोड़ा है तुम पे कि तुम कहते हो हम अल्लाह के बंदे हैं, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क है, कि और तुम चाहते हो कि अल्लाह हमारी दुआएं कबूल करे और हमें रब नवाजे और हमें रब जन्नत दे। वरना वो तो कुन कहे तो इस मोदी जैसे करोड़ों भस्म हो जाए। दुनिया